वेलकम टू जेब मोबाइल दोस्तों, जेब मोबाइल में सभी का स्वागत है। आज हमारे पास है स्क्रू ड्राइवर जो कि ऑटोमेटिक आता है, बैटरी आती है इसके अंदर में और ये चार्जेबल होता है और ये वॉक करता है। लेकिन आप देख सकते हो ये वॉक नहीं कर रहा, ये घूम नहीं रहा, तो इसे हमें फिक्स करना है, ठीक करना है। कैसे करेंगे मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, प्रेस करने पर ओनली लाइट हो रही है लेकिन ये घूम नहीं रहा, तो क्या प्रॉब्लम है? चलिए इसे हम ओपन करते हैं। सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। कोई भी निकली चीज आपके पास हो तो आपको सीधा इसके स्विच के पास लगाना है और इजीली इसका स्विच जो है वो रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हो इजीली रिमूव हो चुका है इसका स्विच। यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू है, ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा स्क्रू, और अंदर में दो स्विच है। अगर स्विच आपका खराब है तो आप इसे भी ठीक कर सकते हो। कम काम कर रहा है तो सीधा पेट्रोल से वॉश कर दो, इसका स्विच जो है ठीक हो जाएगा और चेंज भी कर सकते हो। मैं फर्स्ट इसका स्क्रू जो है वो रिमूव कर लेता हूँ और इसे ऊपर खींचते ही ये बाहर आ गया। आप देख सकते हो इसमें ये हमारा मोटर सर्किट सब कुछ यही है, और जिसका बैक साइड है इसमें बैटरी है। अगर बैटरी खराब है तो आप इस साइड से हम इसे खींच के बाहर निकालेंगे तो बैटरी इसका बाहर आ जाएगा, और चार्जिंग सॉकेट है वो भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम है इसे ठीक करना भी, क्योंकि बैटरी वर्क कर रहा है, चार्जिंग हो रहा है, सिर्फ घूम नहीं रही मोटर जो है वो वर्क नहीं कर रही, घूम नहीं रही। तो इसे हम फर्स्ट पावर दे के चेक कर रहे हैं। यहाँ से तो मैंने पावर सप्लाई से पावर दिया, आप किसी से पावर दे सकते हो, बैटरी से, सेल से, आप पावर दे के चेक कर सकते हो। जिसमें प्रेस करूँगा तो ओनली लाइट ही होएगा। ये देखिए आप, सॉरी प्लस माइनस मैंने जो उल्टा लगा दिया इसके वजह से काम नहीं कर रहा था। तो फिर से ये लाइट हो रहा है लेकिन ये वॉक नहीं कर रही, घूम नहीं रही, तो अब हमें इसे ओपन करना होगा। मैं फर्स्ट इसका ऊपर का जो रिंग है वो निकाल लेता हूँ। अब हम इसे नाखून की वजह से भी आराम से मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। आप किसी भी चीज से भी ओपन कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर कोई भी स्क्रू नहीं दिया गया, किसी भी स्क्रू की मदद से नहीं, सिर्फ इसमें लॉक है, लॉक सिस्टम। और जैसे मैं रिमूव करूँगा आप देख सकते हो ऊपर के भाग में जो तो इसके मोटर में कनेक्शन होना चाहिए वो कनेक्शन ही नहीं है। आप देख सकते हो मोटर में कनेक्शन लगाया हुआ ही नहीं, इसका मतलब इसे ओपन किया गया है, किसी ने इसे ठीक करने की कोशिश की है। क्योंकि ये जो कि मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है, तो शायद इसने उसे रिपेयर करने का ट्राई किया था लेकिन उसे ये नहीं हो पाया है। तो इसे हम खोल के चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपको मोटर चेक करनी हो तो सिंपल ही तरीका है, किसी भी मोबाइल बैटरी या किसी भी सेल से आप प्लस और माइनस लगाकर इसमें उल्टा या सीधा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोटर घूमेगा। तो आप मोटर को चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट वो मैं इसका जो वायर है वो लगा के चेक करता हूँ कि इसके प्रॉब्लम क्या है। तो जो इसका सर्किट आता है ना उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर लाइट एंड मोटर दोनों का जो वायरिंग होता है प्लस माइनस में लिखा हुआ था, प्लस कहाँ लेना है एंड माइनस कहाँ पर लगाना है इसमें पहले से ही लिखा रहता है, कौन सा वायर कहाँ आएगा। इसमें मोटर का एम ओ टी ऐसा लिखा हुआ होगा, मोटर लाइट का एल ई डी लिखा होगा। अब देखते हो यहाँ पर प्लस माइनस सब लिखा हुआ होता है। अब यहाँ से इसका वायरिंग करना है, तो फर्स्ट मैं इसका वायरिंग कर लेता हूँ एंड चेक करता हूँ। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको कहा कि इसका वायरिंग मैंने कर लिया और फिर से इसे पावर ऑन किया, लेकिन ये जो है सर्किट थोड़ा हॉट हो रहा था, गर्म हो रहा था, ये आईसी जो है उसका जो गर्म हो रहा था। तो आईसी को मैंने मीटर से चेक किया, शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन जो मोटर है वो घूम नहीं रही थी, इसकी वजह से ये जो आईसी है वो गर्म हो रही थी।
एंड ये मोटर जो है उसमें शॉर्टिंग बता रहा था, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बैटरी सेल से कहीं से भी आप इस मोटर को घुमा के चेक कर सकते हो। तो मैंने जो मोटर को घुमाया लेकिन मोटर जो घूम नहीं रहा था, मैंने मल्टीमीटर से चेक किया सर्किट तो बोर्ड शॉर्ट नहीं था, लेकिन ख़राब था जो था वो मोटर। अब मोटर मार्केट में आसानी से मिलने वाला है नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि मैं जा रहा था वहाँ छोटा सा गांव है, तो वहाँ इस मोटर को ओपन करके ठीक करना होगा। और फॉल्ट का जो पता चल चुका है कि इसका सर्किट कंप्लीट है, सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत जो है वो की है मोटर के अंदर में, तो हमें इस मोटर को ओपन करना है। मोटर रिपेयरेबल है या नहीं उसके लिए आपको मोटर को लेना है, इस तरह उल्टा रख देना है किसी पर भी। मैं इसके ऊपर रख देता हूँ ताकि नीचे से अच्छे से रह जाए। अब इसका जो पीला भाग है जो मैंने इसे ओपन कर लिया है, खोल लिया है, सिंपली आप देख सकते हो यहाँ दो लॉक दिखते हैं, इससे हम इसे खोल लिया है। अब हमें इसे प्लस माइनस हटाना है, जैसे कि आप सेल ले सकते हो, आप बैटरी ले सकते हो, मैंने कहा आप सेल या बैटरी किसी से भी नॉर्मली प्लस माइनस से छुएगा तो ये गोल घूमेगी। यहाँ पर आपको प्लस और माइनस दोनों अटाकर चेक करना है ये घूमती है या नहीं। अगर ये घूमती है तो रिपेयरेबल है, ज़्यादातर केस में घूमेगी, अगर नहीं घूमती तो इसे पूरा मोटर को बाहर निकालें, थोड़ा साफ करें और फिर डालें, फिर घूमेगी, क्योंकि ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होती। ये जो उसका कनेक्शन जो छूता है, जैसे कि प्लस और माइनस जो छूता है वो घिस गया होता है या ख़राब हो गया होता है, तो उसे भी हम रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट मैं इसे चेक कर लेता हूँ, आप देख सकते हो मैंने इसे प्लस और माइनस इस तरह डालना है आपको, दोनों साइड डालेगा तो ये मोटर जो है घूमेगी। तो दोस्तों मेरे केस में जो मैंने प्लस माइनस छुआ मोटर घूम रही है और ये जो है वो खराब है, आप देख सकते हो जो इसका जो अंदर के जो पॉइंट आते हैं वो खराब हो चुके हैं। तो मैं ये दोनों पॉइंट को रिप्लेस करूंगा एक दूसरे मोटर से, जो दूसरा मोटर सेम ऐसा नहीं है जो रेगुलर यूज होता है टैप और ज़्यादा टैप में होता है या बच्चों के खिलौनों में, इस मोटर में जो प्रोब निकलते हैं उसे मैं इसे रिपेयर करता हूँ। चलिए देखते कैसे करता है हमें ये। तो मैंने इसके पॉइंट जो थे वो तोड़ निकाल दिए है और एक दूसरा मोटर लिया जिससे मैंने उसका पॉइंट जो ये देख सकते आप ओल्ड मोटर है जो कि किसी खिलौने का है, जिससे मैंने पॉइंट आप देख सकते हो इसमें जो पॉइंट है वो मैं तोड़ के निकाल लेता हूँ उसमें से। अब उसके पॉइंट जो है वो मोटे हैं थोड़े, लेकिन चलेगा, अगर बड़े छोटे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे हमें सिर्फ निकालना है। तो आप देख सकते हो इसमें दो पॉइंट है, आपको दिख रहे होते टोटल, ये मतलब इसे दो दो के चार है, लेकिन मैं इसके दो का ही यूज़ करूँगा और इसके हाफ यूज़ करूँगा पॉइंट को। तो आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है वो मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हो। अब इसे मैं इस पॉइंट को लगाने वाला हूँ मैं सोल्डरिंग की मदद से, जहाँ हमने ओल्ड मोटर के पॉइंट में जहाँ हमें तोड़ दिए थे। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट है हमें चाहिए सिर्फ दो, इस तरह में लगाना है, आप देख सकते हो इस तरह में लगाना है, हमें सिर्फ दो चाहिए, ये डबल डबल है, तो मैं इसे काट लेता हूँ। ये आप पॉइंट देख सकते हो जो कि दो है, एक ही पॉइंट में दो पॉइंट है, तो हमें एक ही पॉइंट यूज आ जाएगा। तो मैं यहाँ से काट के एक को हम बनाएंगे प्लस और एक को हम बनाएंगे माइनस, तो मैंने काट लिए दोनों पॉइंट। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने दोनों पॉइंट अच्छे से सोल्डर कर लिया, आप देख सकते हो इस तरह हमें आप सोल्डर कर लेना है। दोनों पॉइंट बन चुके हैं, सोल्डरिंग हो चुका है, अब आपको सिंपल ही इसे मोटर से लगा देना है और फिर से वही सेल या किसी पावर से आपको फर्स्ट चेक कर लेना है ये घूम रही है या नहीं घूम रही, तो हम इसे मोटर में लगा देते हैं।
ध्यान से गाइस लगाए केयरफुली कि ये मुड़ ना जाएगा, ये मुड़ जाएगा तो फिर से आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, फिर से आपको पॉइंट लगाने पड़ेंगे या सीधा करना पड़ेगा। तो आराम से फिट होगी, अब हमें इसे पावर की मदद से देखना है घूमती है या नहीं। तो आपने देखा दोस्तों मोटर घूम रही है, अब हमें वापस से कम्प्लीटली फिट कर देना है। पूरे का पूरा ढांचा जो हमने ओपन किया है उसे हम फिर से लगा देते हैं और हम देखते हैं कि हमारा काम सक्सेसफुल हुआ है या नहीं।